देश भर के एक बड़े हिस्से में मॉनसून अपना असर दिखा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं राजस्थान, दिल्ली जैसे प्रदेशों में लोगों को अभी तक झमाझम बारिश का इंतजार है। मौसम विभाग की अगर माने तो राजस्थान में फिलहाल अगले एक हफ्ते तक बारिश का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने की मौसम विभाग जयपुर के प्रभारी निदेशक राधेश्याम शर्मा से बातचीत। पूरे देश भर में मानसून सक्रिय है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, बिहार हो, यहाँ पर मानसून की बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यदि बात आसाम की करी जाए तो 33 में से 27 जिले इस समय बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। लेकिन हम अगर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में मानसून का असर अभी तक नहीं देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं मानसून जो है वो रूठा दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौसम विज्ञान केंद्र में खड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रभारी निदेशक राधेश्याम जी हैं। राधेश्याम जी, आसपास के प्रदेशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, उसके सटा हुआ बिहार है, इधर हमारे पास गुजरात है, सब जगह बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, काफी मात्रा में बारिश हो रही है, लेकिन राजस्थान में मानसून क्यों रूठा दिखाई दे रहा है? देखिए, राजस्थान की यदि बात करें तो अब तक मानसून आने के बाद सामान्य से करीब करीब 22% जो है वो बारिश कम दर्ज हुई है। हालांकि इस बार मानसून सामान्य से करीब करीब एक वीक पहले भी आया है, लेकिन यदि बात करें कि इतना बरसात अभी सामान्य तक क्यों नहीं हुआ या कम हुआ है, तो इसका जो मुख्य वजह है वो ये है कि जनरली मानसून सीजन में कुछ लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और पूर्वी भारत से वो सेंट्रल इंडिया की तरफ होते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक इस मानसून सीजन में ऐसे लो प्रेशर सिस्टम नहीं बने हैं राजस्थान के लिए, विशेष रूप से केवल जो मानसून ट्रफ लाइन की वजह से जो रेन एक्टिविटी होता है, थंडरस्टॉर्म है, लाइट टू मॉडरेट रेन, वो भी यूँ कह सकते हैं व्यापक स्तर पर जो बारिश का होने वाला जो सिस्टम है वो नहीं बना है। केवल जो कम इंटेंसिटी का जो सिस्टम है मानसून ट्रफ वगैरह, उससे कुछ एक पॉकेट्स में बारिश हुआ है और ऐसा सिस्टम अभी चल रहा है। देखिए, देखा जाए तो लगातार मौसम विभाग खुद अलर्ट देता रहता है बांसवाड़ा की तरफ से और इधर जयपुर तक अलर्ट आता है, लेकिन बारिश बहुत कम दर्ज की जा रही है। आपने पीछे मैप भी खोल रखा है, एक बार मैप के माध्यम से बता दें कि कितनी बारिश कम हुई और किस किस जिले में ज़्यादा हुई, कहाँ कहाँ पर कम है। देखिए, आज 18 जुलाई तक यदि बात करें इस मानसून सीजन में, तो पूरे स्टेट में मैं दिखा सकता हूं कि इस मैप में जो रेड कलर में दिखा रखा है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो सामान्य से कम बरसात दर्ज हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो बीकानेर में देखो कि जो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है वो करीब करीब 54% के आसपास कम बारिश है। जैसलमेर में भी -22% है। तो ये जो रेड कलर में हमारा जयपुर की यदि बात करें तो ये भी सामान्य से कम बारिश अब तक दर्ज हुई है, करीब -36% सामान्य से कम बारिश है। और ऐसी बात नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर बरसात का जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा है। चूरू में वो नॉर्मल रेनफॉल है, सामान्य से ज़्यादा है, 57%। इसी प्रकार जो साउथ राजस्थान के ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोटा और उदयपुर डिवीज़न, तो यहाँ पर भी बारिश में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ठीक है। लेकिन ये है कि अभी तक जो हेवी रेनफॉल या यूँ कहें कि लार्ज स्केल पर जो अच्छा अमाउंट का रेन बियरिंग सिस्टम है वो अभी राजस्थान में एक्टिव नहीं हुआ है, और प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगले एक वीक तक बहुत भारी बारिश होने वाला या व्यापक स्तर पर लार्ज स्केल रेन बियरिंग सिस्टम अभी भी दिख नहीं रहा है। केवल छुटपुट प्लेसेस पे या फ्यू पॉकेट्स में हम कह सकते हैं कि लाइट या लाइट से मॉडरेट रेन तक का स्पेल्स भी हो सकता है। बात राजस्थान की हो रही है, आपने जिस तरह से बताया कि -22% जैसलमेर में है, 54% वहाँ पर बीकानेर में है, कहीं ना कहीं जो बारिश है वो ज़्यादातर प्रदेशों में अभी जिलों में कम हुई है। कब तक यहाँ के लोग माने कि गर्मी भी कम इनको मिलेगी और बारिश का जो पूरा मजा है वो उठा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 24 जून को जब मानसून एंटर हुआ था तो कहीं ना कहीं लोगों को खुशी थी कि इस बार मानसून अच्छा बरसेगा। मौसम विभाग ने भी कहा था कि लास्ट ईयर को देखते हुए परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन कम बारिश है। क्या आप कहना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कब तक बारिश हो सकती है? देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करीब करीब अगले एक वीक तक बहुत अच्छे या तेज बारिश का कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि एक वीक बाद कोई लो प्रेशर सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में या सेंट्रल इंडिया के आसपास साइसर टाइप का बनेगा, और कुछ रेन बियरिंग सिस्टम हम लास्ट वीक ऑफ जुलाई में या एटलीस्ट अगस्त में यदि लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं तो उसका जब फोरकास्ट होगा या उसका जब लीड टाइम मॉडल की एक्यूरेसी में होगा तो हम आपको डेफिनेटली देंगे। तो फिलहाल तो सिचुएशन यही है कि एक वीक तक बहुत सिग्निफिकेंट या हेवी रेन जैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन यह है कि एक वीक के बाद एक मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा रेन एक्टिविटी बढ़ सकता है। बिल्कुल,
तो आपने जाना राधेश्याम जी से कि किस तरह से जो मानसून है पूरे देश भर में सक्रिय है, लेकिन कुछ कारणों के चलते जो राजस्थान में इसका असर कम देखा जा रहा है। आने वाले एक हफ्तों के लिए अभी भी राजस्थान के लिए एक बुरी खबर है कि जो बारिश है वो अभी पूरी तरह भारी जो बारिश की बात चल रही है वो अभी भी नहीं देखी जाएगी। मैं कैमरा पर्सन नेमी चंद पांचाल के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर।